हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज ही ये पेपर लॉन्च हुआ है, नई एनसीईआरटी बुक पे आधारित पेपर है और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का। और ये सीबीएसई पैटर्न पे आधारित है और ये पेपर जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के स्टूडेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर बहुत ही शानदार है, मैंने देख लिया है। और यहाँ से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है ना, बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार फाड़ू क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, आप जानते हैं जो पाई एक संख्या है, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 22/7 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर बट्टे वाला जीरो नहीं है। पी और क्यू पूर्णांक है और दोनों का एचसीएम निकालोगे तो एक आएगा। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, 2 के बट्टे में आप लिख सकते हो, तो ये भी पी बट्टे क्यू इसी रूप में आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते, कह रहे द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का जो सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, है कि नहीं? सो दोस्त, सबसे पहले a की जगह पे क्या है, x का गुणज 2, b की जगह पे क्या है, x का गुणज माइनस के 4 और c के स्थान पर कितना है, प्लस के 3। ठीक हो गया। अब ये मान यहाँ रखो, b का मान कितना है, माइनस के 4 वर्ग और a का मान 2 और c का मान 3। माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है, 4 × 16, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो ये आ जाएगा माइनस के 8। तो व्युत्क्रम का मान कितना होगा, माइनस के 8। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, नई एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, वीडियो सॉल्यूशन आप जाके देख सकते, सारे उदाहरण करा दिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कह रहे कॉट 60 का मान क्या होगा, त्रिकोणमिति आपको टेबल बता होगी, कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते, कह रहे बहुपद x²-3 का शून्य को गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा सूत्र क्या होता है, c/a। a क्या है, x² का गुणज, b क्या है, x का गुणज है ही नहीं यहाँ पर, और c क्या है हमारा, अचरपद। देखो यहाँ अचरपद 3 है और a हमारा 1 है, तो किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो आ जाएगा माइनस के 3। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहे बिंदु x अक्ष से दूरी, देखो जब x से बोलेगा तो y वाला आंसर होता है, y बोलेगा तो x वाला आंसर होता है। दूरी कितनी, यहाँ पर क्या माइनस के 4 है, तो आप क्या लो x आंसर आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, x अक्ष से बोला है तो माइनस 4, y अक्ष से बोलता तो x वाला ढूंढ, देखते हैं। आगे बढ़ो, कह रहे समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या है, ये समांतर श्रेणी है सातवां पद निकालते हैं, a7 है तो एक कम कर दो, a+6d। प्रथम पद क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो कितना है 6 है, तो यहाँ 6 रख दो, 6×6=36, 36 और 4=40, तो हमारा जो सातवां पद है वो कितना होगा, 40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। आगे बढ़ते, हमसे बोल रहा है दिए गए चित्र में हमें बोल रखा है कि जो DE है, ये जो DE है इस BC के समांतर है, और हमें AD बट्टा DB कितना दे रखा, 2/3, EC हमें दे रखा है 6, हमें AE निकालना है ये वाला। अब जानते हैं ये भुजा इसके समांतर होगी तो थेल्स का प्रमेय लगेगा, थेल्स का प्रमेय क्या होता है, AD/DB किसके बराबर होगा, AE/ क्या होगा, EC। AD/DB 2/3 दे रखा है, AE हमें निकालना है और EC हमें 6 दे रखा है। ठीक है, ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा और यहाँ है AE, 3×6 = 2×4, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ो, अब सारे प्रश्न आपके सब्जेक्टिव है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
कह रहे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार के व्यास का बेलन। मैं आपको बेलन बना के दिखाता हूँ। इस बेलन से ना जितने भी शादीशुदा मर्द हैं उनको बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि भैया पड़ता रहता है दिन ब दिन। कई बार क्या है, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई को हम एच से दर्शा रहे हैं और जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। तो व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी आर, 10 की आधी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे चित्र बनाना, सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो हमें दिया है करके लिख देंगे यहां पर, ठीक है। दिया है प्रॉपर वे में जैसे लिखना ना एग्जाम में, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर स्मॉल एच, स्मॉल एच बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बेलन की जो त्रिज्या है आर, वो हमारे पास कितना है, व्यास का आधा होता है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, बेलन का आयतन। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, ठीक है जी, ये चीज हमें निकालनी है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे, आर हमारे पास 5 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में एच का हमें 7 दे रखा है, 7 से 7 कट 22, 5 बचे 25, 25 दूनी 50 हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, यदि 10a का मान 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो देखो दिया है, क्या दिया है 10a, ठीक है, कितना है 3/5। आप ये सूत्र जानते ही होंगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। क्या होता ट्रिक, यहां आता है साइन कॉस 10, नीचे से कॉसेक सेक कॉट। हमें क्या दे रखा है 10 L/A, ये यानी कि क्या दे रखा है लंब, और ये हमें क्या दे रखा है आधार, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चित्र बना लो, ठीक, क्योंकि टेंशन नहीं है, क्योंकि एंगल जो दे रखा है उसी एंगल में निकालना है। तो ये हमारा क्या होता है लंब, ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और ये हमारा है आधार। तो लंब हमारे पास है 3, आधार हमारे पास है 5, हमें कर्ण का मालूम नहीं है, ठीक है दोस्त, हमें कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण हमें निकालना है, यहां आ जाओगे पाइथागोरस। जब भी दो भुजा दी हो तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं क्योंकि ये मॉडल पेपर है, स्पीड में ही कराऊंगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ठीक है, स्पीड में ही चलता है भाई। अगर आपको सब कुछ सीखना है तो आप मैंने चैप्टर में वीडियो दो, वहां मैंने आराम आराम से पढ़ा के हर चीज को सिखाया है, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन फास्ट ही होता है, जिसको लग रहा है कि सर फास्ट है तो थोड़ा स्लो करके वीडियो देख ले, टाइमिंग स्पीड स्लो कर ले, ठीक है। कर्ण हमें निकालना है, आधार क्या है भैया, आधार 5 है और लंब कितना भैया 3 है, वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा तो अंडर रूट कितना जाएगा 34 आ जाएगा। तो हमें निकालना है कर्ण, अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 34, ठीक है, अंडर रूट 34। हमें क्या निकालना है प्रश्न के अनुसार, इसलिए हमें क्या निकालना है कॉस ए, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना है मेरा, आधार मेरा है 5 और कर्ण मेरा है अंडर रूट 34। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो परेशानी हो दोबारा जरूर देखें। कह रहे समांतर श्रेणी, ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। पहले ही बोल दी समांतर श्रेणी, देखो दिया है,
प्रथम पद एपी है ना, प्रथम पद ए बराबर है 7, शावंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, दूसरा पद है 13, प्रथम पद है 7, कितना जाएगा 6। अंतिम पद, अंतिम पद को एन से दर्शा दे, कितना है 205, और हमें एन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, भले ही ना जानो यहां लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, कि भैया हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है जी, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में सारे मान रखिए, रखते हैं ए एन हमारे पास कितना है 205, ए हमारे पास है 7, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास 6 है। ठीक है भैया, अब संख्या को एक तरफ लाते हैं ना, प्लस का 7 देके माइनस का हो जाएगा, यहां बचा एन माइनस 6, घटाओगे तो आ जाएगा 198, और ये 6 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, एन माइनस 1 काटो 6 18 6 18, तो माइनस का 1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान कितना हो जाएगा 34, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा देखें। अगला प्रश्न है कि 3 8 2 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, तो देखो आ जाओ सोल्यूशन में आ जाओ, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 8 2 5, तो देखो काटेंगे हम इसको, 5 एक है किस तरह, तो 5 से कटेगा, 5 7 35, 3 बजा 5 36, 2 बजा 5 बजे 25, फिर 5 से कटेगा, अरे यार 5 एकम 5, 2 बजा 5 बजे 25, 5 3 15, 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 बजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, और 17 एकम 17, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 8 2 5 का। भाई 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 17 है 1 बार, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। मैंने विज्ञान भी पूरी बढ़ा रखी है, ठीक है, मैं पूरा बढ़ा रखा है, और उसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी बढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम हिंदी और इंग्लिश भी कवर करने वाले हैं पूरा, बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दिया हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, जैसे एग्जाम में लिख लिया ना बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। शून्यकों का योगफल क्या है, 0, पहले 0 है, और फिर हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा, ये चीज हमें दे रखी है अंडर रूट 5, हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। देखो ये तो क्लास 10th का ऑफिशियल है, 12th का भी मैंने ऑलरेडी करा दिया, क्योंकि 12th का मैटर पेपर पहले आया था, वो मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, 12th की मैथ भी, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी दोनों करा रखे हैं, तो आपके अगर 100 सीनियर है तो उनको बोल देना कि इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है सब कुछ, और आप जब फ्यूचर में जाओगे 11th में तो भी हमने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है 11th का 12th का। ठीक, अब हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान तो 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 हो जाता है, और अल्फा बीटा में देखा अंडर रूट 5, कुल मिला के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5 आंसर। ठीक है, कई बच्चे बराबर 0 लगा देते, भाई 0 लगाने से तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो बहुपद नहीं रहेगा, फिर वो समीकरण बन जाएगा, बहुपद और समीकरण में बहुत अंतर है। ठीक है, एक राम है तो दूसरा श्याम है, एक धरती है तो एक पाताल है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। आगे बढ़ते,
कह रहे माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। हर साल आता है, या तो संबंध आएगा या फिर प्रश्न आएगा। तो जो बहुलक होता है संबंध, देखो बहुलक क्या होता है, तीन माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माइनस के दो माध्य, ये संबंध होता है। इसे आप रट लीजिए, संबंध आएगा नहीं तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये संबंध होता है, इसे आपको लिखना था बस, ठीक है भाई। क्वेश्चन पेपर जो बंदिश ने भी सेट किया है ना, बहुत लाजवाब काम किया है। एक एक क्वेश्चन मक्खन की तरह शानदार क्वेश्चन है, और इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और इसी लेवल के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है, मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते, कह रहे इसका मान क्या होगा बताओ। सो देखो दोस्त, हमें क्या दिया हुआ है, इसका मान निकालना है ना, 9 sec स्क्वायर a, 9 tan स्क्वायर। तो 9 देखो पहले उभयनिष्ठ निकालो, उभयनिष्ठ 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि भैया जो sec स्क्वायर a होता है माइनस tan स्क्वायर a जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1, 9 गुणा 1 यानी कि 9, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। मान लेते हैं कि भैया ये जो बिंदु है P है, जो दे रखा है A कॉमा B, ये बिंदु P है, और दूसरा बिंदु हमारा Q है जो कि है माइनस A कॉमा माइनस B, ठीक। इन दोनों की बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2 है, ये हमारा y2 है, ठीक है। PQ निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। x1 कितना है भैया, a माइनस, x2 कितना है माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। y1 है b माइनस, y2 है माइनस के भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। a और a कितना होता है, 2 है, b और b कितना होता है, 2b। वर्ग करो, 2 a का वर्ग हो जाएगा 4 a स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4 b स्क्वायर। 4 हमारा अंदर से क्या उभयनिष्ठ है, यहां से यहां बचेगा a स्क्वायर और यहां से बचेगा b स्क्वायर। 4 बाहर निकालोगे, 4 का वर्गमूल 2, ये जोड़ना है घटाने में बाहर नहीं आ सकता, तो ये ऐसे ही रहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। कह रहे हैं ये दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। सो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये चीज हम जानते हैं पहले से। तो संख्या क्या क्या है मेरे पास भाई, ये और ये है, 336 गुणा 54, और एचसीएफ हमें दे रखा है, हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है भैया। ये गुणा में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, नम 54 गुणा करो, 9 छंग 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 3 27 और 5 32, हासिल लगा 3, 9 3 27 और 3 30, 3024। ये हमें हमारा एलसीएम आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्य निकालेंगे, बहुपद हमारा क्या है, 4u² + 8u। जब भी एक पद कम हो ना, बहुपद का शून्य निकालना है, तो बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो शून्य के लिए,
और जब भी एक पद कम होता है ना वो क्वेश्चन बल्कि और आसान हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। देखो गुणनखंड बनाना होता है ना, चार का भागा दोनों में जाएगा और यू का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। चार बार यू स्क्वायर से यू बार, तो यहाँ यू बचा, चार दुनिया आठ और यू पहले ही बाहर है। एक जोड़ा दो जोड़ा, यदि चार यू बराबर जीरो तो ये चार गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है। ठीक, दूसरे में आ जाओ, यदि यू प्लस टू बराबर जीरो तो प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का टू। ठीक है दोस्त, तो इसे अल्फा बोल लो इसे बीटा बोल लो, हमें जांच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ए देखो कितना है, यू स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं चार, बी देखो कितना है, यू के गुणज को हम बी कहते हैं आठ, और अचर पद कितना है ही नहीं यहाँ पर अचर पद, तो सी हमारा जीरो है। तो सबसे पहली जांच करेंगे और फिर यहां पर दूसरी जांच करेंगे। ठीक, सबसे पहला जांच हम क्या करेंगे, शून्य को का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, अल्फा कितना है हमारा जीरो है, बीटा कितना है माइनस के टू, बी बी कितना है आठ, ए कितना है चार, चार से काटो चार दुनिया आठ, जीरो में से दो घटाओगे माइनस का दो और इधर भी माइनस के दो, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि हमारी जांच बिल्कुल सही है। दूसरे जांच पे आ जाओ, दूसरा क्या है, शून्य को का गुणनफल, ठीक, शून्य को गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक है, मान रखते हैं, तो अल्फा का मान जीरो है, बीटा का मान माइनस के दो है, सी हमारा जीरो है और ए हमारा चार है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो आ रहा है दोनों तरफ बराबर। ठीक है, यानी कि हमारी जांच बिल्कुल सही है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो माना दो संख्या बोला है ना, माना प्रथम संख्या, प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या को मैंने y मान लिया। ठीक है, फिर आ जाओ प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि जिनका योगफल 27 है, दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़े x और y को जोड़े तो कितना मिलता है, 27 मिलता है, पहला समीकरण। ठीक, फिर आ जाओ द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में यह बोला जा रहा है कि दोनों की गुणा करोगे x और y है, पहले को दूसरी संख्या से गुणा करोगे तो 27 आएगा। ठीक, ये चीज आ गई। अब यहां से मैं क्या करता हूं ना, y का मान निकालता हूं, x गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, y का मान क्या गया 27 बट्टे x, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा y का मान समीकरण एक में रख दूंगा। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ये मान यहां रख दूंगा, तो देखो क्या होगा, x y की जगह पे क्या आ जाएगा 27 बट्टे x और इस तरफ क्या है हमारा 27। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किया है ना, गुणनफल 182 है ना, तभी तो मैं कहूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहां से देखो इस एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, माफी चाहता हूँ उसके लिए। x और y के गुणा करेंगे तो 182, चलो हर एक चीज ना अच्छे के लिए होता है। तो यहां देखो हमसे क्या गलती हो रही थी, अब देखो अब मैं क्या करूंगा ना,
यहां से मैं क्या करूंगा, वाई का मान समीकरण एक से निकाल लूंगा और दो में रखूंगा मैं, देखो क्या होगा। यहां से वाई का मान क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स रखे क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, यहां पे दो लिख दो। अब क्या होगा देखो, एक्स तो है, ये वाई का मान क्या है, 27 माइनस एक्स, और इधर है 182। ठीक, आंसर तो मेरे दिमाग में अभी से आ गया, आंसर आएगा 13-14, देखना गुणा कर दो 27x, x को x से गुणा करो, एक्स स्क्वायर 182। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 27x, और ये प्लस के 182 तो पहले से ही बैठा है, इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो जीरो। तो भैया ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है और हल करने पे हमें हमारा उत्तर मिलेगा। चलो हल करते हैं। देखो भैया इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है, इसकी गुणा किससे करते हैं, इससे करते हैं। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करे तो 182 है और जोड़े तो 27 है। तो एक संख्या 14 है, दूसरा संख्या 13 है, 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 14x जोड़ का चिन्ह 13x, तो माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, इसी में ही गुणा होता है बस, प्लस माइनस माइनस, एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा यहां से। ठीक है, अब देखिए पहले जोड़े से एक्स वनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक्स बचेगा तो एक एक्स, एक्स बाहर आ गया तो यहां से 14, नेगेटिव यहां से 13 आ जाएगा, वनिष्ठ बाहर नेगेटिव, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13 13 56। जो दो बार आएगा उसे एक बार लिखते हैं, देखो ये चीज सेम टू सेम आई है ना, यानी कि आपने सही किया है, और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अरे यार मिटाना है, कहां मिटा के करूं, यहीं कर देते हैं, यदि यहां कर देता हूं। ठीक है दोस्त, यदि एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स का मान आ जाएगा 14। दूसरा केस, यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर गया, प्लस का 13 हो जाएगा, दो केस आ जाएंगे। ठीक है, दो केस आएंगे, अब उसको यहां लिखो, देखो कैसे है, यहां लिखो दो नंबर का, लेकिन दो नंबर में ये ज्यादा हो जा रहा है ना। केस वन, यदि एक्स बराबर 13 लेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है, 13 रखोगे प्लस का 13 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 13, तो y का मान कितना आ जाएगा, 14। ठीक, तो पहले केस में यदि x 13 है, पहली संख्या 13 दूसरी 14 होगी, केस टू, यदि x बराबर 14 लो तो आपको पता ही है x प्लस वाई 27 के बराबर है, इसका मान रखेंगे प्लस का 14 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 14, बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह घटता है, तो y का मान आ जाएगा 13। अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 13। ये दो केस हैं, दोनों केस लिखने जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। या तो वो करना था या फिर ये करना था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल बोला है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, दिया क्या है हमें, दिया है द्विघात समीकरण, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं, कई टीचर आपको मिलेंगे फटाफट शॉर्टकट करके धर दिया, ठीक है, ऐसा काम हम नहीं करते। ये हमारा द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, दो एक्स का गुणज, बी के एक्स का गुणज के हुआ,
और सी हमारा अचर पद होता है, ठीक है? ओके, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है? दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल के लिए क्या होता है? विभक्तिकर का मान, विभक्तिकर डी का मान शून्य के बराबर होता है। तो विभक्तिकर डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के पूरे सी बराबर जीरो। तो देखो दोस्त, बी का मान कितना है? ये फोर, ए का मान कितना है? दो, और सी का मान कितना है? तीन, ठीक है? के स्क्वायर, तो चार दुनिया आठ, आठ दिया चौबीस, माइनस का चौबीस तरफ क्या आ जाएगा? प्लस का चौबीस, तो वर्गमूल निकालेंगे, चार छंग दो अंडर रूट छह आ जाएगा। तो के का मान क्या होगा? प्लस माइनस दो अंडर रूट छह होगा, ठीक है? ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं, सर आपको चश्मा क्यों लग गए, आपकी आंखें खराब हो गई क्या? भाई आंखें सही सलामत है, ये जो रोशनी है ना, ये आंखों में इफेक्ट पड़ता है, ये डिजिटल बोर्ड की रोशनी आंखों में चुभती है, तो ये लगा रखा है ताकि वो डायरेक्ट आंखों में ना जाए ये रोशनी, इसी वजह से, ठीक? भाई आगे बढ़ जाते हैं। 13वां प्रश्न है, हमसे ये बोला जा रहा है एक थैले में तीन लाल पांच काली गेंदे हैं। देखो थैला बना लेते हैं, ये हमारा थैला है, ठीक है? इस थैले में क्या दिया है हमें? चित्र वित्र ऐसे बना लोगे ना एग्जाम में तो बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, ये मत सोचो कि नंबर कटेंगे ऐसे चित्र बनाने पर, नहीं ऐसा नहीं है। हमें लाल लाल गेंद कितना दे रखा है? तीन, और काली गेंद कितनी दे रखी है? काली गेंद दे रखी है पांच। कुल गेंद कितनी हो जाएगी फिर? तीन और पांच को जोड़ दो, कुल गेंद हो जाएगी आठ, ठीक? तो हमसे क्या बोला है कि एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो, ठीक है? तो लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी सबसे पहले, नंबर वन, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो देखो संभव परिणाम लाल के लिए बोला, तो लाल संभव परिणाम कितने है? तीन है, और कुल परिणाम कितने है? आठ है। आंसर सेकंड वाले में आ जाओ, बी नंबर सेकंड वाले पार्ट में, लाल ना होने की प्रायिकता। अगर इसकी प्रायिकता को पी आर से दर्शाएं, तो लाल होने ना होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है? जिसे हम पी आर डैश से दर्शाएंगे। तो किसी चीज के ना होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है? एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा दो, बस। तो एक में से लाल होने की प्रायिकता में क्या करनी है? घटा देनी है। तो लाल होने की प्रायिकता पहले ही निकाल रखी है, तीन बट्टे आठ रख दो यहां, इसकी बट्टे में कुछ ना, तो एक लॉस ऑफ आठ आ गया, आठ एक कम आठ, एक तिया तीन, तो ये आ जाएगा पांच बट्टे आठ, ठीक है? हमें हमारा उत्तर मिल गया, कितना? पांच बट्टे आठ। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित सारणी में एक्स और वाई के मान बताने हैं, ठीक है? एक्स और वाई के मान बताने हैं। लाइट चली गई भाई, क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है, ये जो एक्स है और ये जो वाई है वो निकालना है। ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। तो आप जानते हो बारंबारता की मदद से संचयी बारंबारता बनती है, पहला वाला जैसा होता वैसे रहता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में ना, हल में आप चौकी करके लिख दोगे कि 6 प्लस एक्स, ठीक है? यहाँ जो होता है और इसके नीचे वाला जो होता है उसको जोड़ेंगे तो ये सामने वाला हमें मिलता है, इसको और इसको जोड़ने पर, ठीक है? तो प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 6, एक्स का मान आ जाएगा 20। पहला आंसर।
ठीक, उसके बाद आपको पता है इसको और इसको जोड़ोगे तो ये सामने मिलेगा, क्योंकि जो वाई होता है 50 प्लस 28 को जोड़ने को मिलेगा, 50 और 28 क्या हो जाएगा 78, सिंपल। तो दो नंबर में इतना आसान प्रश्न पूछा गया और एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है और यह प्रमेय 10.2 में, चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूँ कि यह एग्जाम में जरूर आएगा और आएगा है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें क्या है, हमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और हमारा कोई बाह्य बिंदु ले लो, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या डालो, स्पर्श रेखा डालो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये केंद्र है, ठीक, पी ए पी बी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो भैया पी ए होगा और जो पी बी होगा वो आपस में बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रूफ में आ जाएंगे, रचना करनी है हमें। सबसे पहली रचना क्या करनी है कि मुझे B से O को मिलाना है और O से A को मिलाना है, B O तथा A O को मिलाना है। अच्छा और एक काम करना है, A O, उसके साथ साथ आपको P O को भी मिलाना है, B O A O तथा P O को मिलाया, ठीक, ये काम हमने किया। अब क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि मुझे इस रेखा को और इस रेखा को बराबर दिखाना है, तो मुझे इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या दिखाना है, क्या दिखाना है दोस्त, सर्वांगक्षम दिखाना है। जब दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होती है तो उनकी संगत भुजा आपस में बराबर होती है और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी बी ओ तथा त्रिभुज पी ए ओ लेंगे। अब आप देखो, खुद बोलोगे आप, मैं नहीं बोलूंगा, कि भैया दो त्रिभुज में पी ओ, पी ओ उसमें भी और पी ओ उसमें भी है, त्रिभुज में भी पी ओ है और इस वाले त्रिभुज में भी पी ओ, क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ त्रिभुज है, क्यों बराबर है, क्योंकि भैया ये उभयनिष्ठ त्रिभुज है, ठीक है भैया। उसके बाद ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है, पी बी इसके बराबर है, सॉरी पी बी बोल रहा हूं, ओ बी, ठीक है, ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर रहती है। साथ ही साथ आप प्रमेय 10.1 से जानते हैं कि भैया स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 इंच का कोण बनता है, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ए, क्योंकि दोनों के दोनों 90 इंच के कोण है, ठीक। अतः आर एच एस द्वारा, ये पढ़ा होगा कक्षा 9 में आपने, ठीक है, दो संगत भुजा के अटैचमेंट, ये 90 बराबर है, आर एच एस द्वारा जी त्रिभुज होगा, त्रिभुज पी पी ए ओ सर्वांगक्षम हो जाएगा, त्रिभुज पी बी ओ के, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होती है तो यहां लिख दोगे अतः सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ए पी बी के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, आपको क्या सिद्ध करना है कि आपको ए एम बट्टा ए बी, देखो ए एम बट्टा पूरा ए बी इसके बराबर दिखाना, ए एन बट्टे ए डी के, ठीक है, तो हल में आ जाओ, क्या दिया है, पहले कंडीशन को लेते हैं, हमें दे रखा है कि एल एम
समांतर है सी बी के, तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये भुजा इसके क्या है समांतर है, तो अतः प्रमेय 6.1 से, 6.1 से क्या हो जाएगा ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी, ठीक ये चीज है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा पलट देना होगा, ठीक है पलटने पर पलट देंगे तो एम बी ऊपर आ जाएगा और ए एम नीचे, एल सी ऊपर आ जाएगा और ए एल नीचे, फिर क्या करना होगा दोनों तरफ एक एक जोड़ देना होगा, ठीक है ध्यान रखना ए एम नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए एम प्लस एम बी और यहां से आ जाएगा ए एल एल सी ए एल कम ए एल। तो देखो ए एम प्लस एम बी क्या है, ए एम प्लस एम बी किसके बराबर है, यही कर देता हूँ ए बी के बराबर है और पट्टे में क्या है ए एम और यहाँ एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस देखो ये एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है ए सी के बराबर है, बट्टे में क्या है ए एल, फिर पलट दो, शुरू में पलटा था लास्ट में फिर पलटना है, तो ए एम ऊपर आ जाएगा ए बी नीचे और ए एल ऊपर आ जाएगा ए सी नीचे, समीकरण नंबर एक। पहले शर्त से हमें ये मिल जाएगा आराम से, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है द्वितीय शर्त में क्या दे रखा है मुझे, मुझे दे रखा है कि जो एल एन है वो सी डी के समांतर है, एल एन किसके समांतर है सी डी के, ठीक है तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टा एन डी किसके बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी, ठीक है फिर हमें क्या करना है पलट देना है, एन डी ऊपर आ जाएगा ए एन नीचे और एल सी ऊपर आ जाएगा ए एल नीचे, फिर क्या करना है दोनों तरफ एक जोड़ना है, ओके फिर लॉस ऊपर आ जाएगा ए एन इस तरफ, ए एन एकम ए एन प्लस एन डी, फिर यहां लॉस ऊपर आ जाएगा ए एल एल सी ए एल एकम ए एल, ठीक है ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी किसके बराबर है ए डी के बराबर है, नीचे है ए एन और ये ए एल प्लस एल सी किसके बराबर है ए सी के बराबर, ए सी बट्टे में क्या ए एल, लास्ट में फिर पलट दोगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक। अब आप समीकरण एक में और दो में कुछ चीज देखेंगे, क्या देखेंगे देखो इधर जो चीज है एल बट्टा ए सी, एल बट्टा ए सी, तो दोनों को क्या कर देंगे तुलना कर देंगे समीकरण एक तथा दो से, ठीक है तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी इसके ए एन बट्टे ए बी, इसके बराबर हो जाएगा ए एन, ठीक है ए एन बट्टे ए डी, ठीक है और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ओके बच्चों आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, या तो वो करना है या फिर ये करना है। हमसे क्या बोला गया दिए गए चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है OBA के, ओ ओ भाई डी किधर है, ODC ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है CDO 70 दे रखा है चित्र में दिख रहा है और वो 125 दे रखा है, तो DCO का मान ज्ञात कीजिए, DCO इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है मैं क्या बोलता हूं ना कि ये जिसको मान ज्ञात करना वो x है और ये वाला कोण में बोल देता हूं y है, ठीक है ये वाला कोण में बोल देता हूं y, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, देखो
रेखा युग्म में कितना कोण बनता है? रेखा युग्म बीओडी में, देखो बीओडी ये रेखा है ना, इतना प्लस इतना, सीधी सी बात है, 125 प्लस वाई कितना होगा, 180 के बराबर होगा, और प्लस का 125 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो वाई का मान कितना आ गया 55। लेकिन हमें वाई नहीं, हमें एक्स निकालना है, लेकिन एक्स भी 55 ही आएगा, ठीक है, एक्स भी आपका 55 ही आएगा। फिर देखो मैं त्रिभुज दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, इसको मैंने वाई बोला है, इसको मैंने एक्स बोला है, और ये हमें 70 दे रखा है, ठीक है। अब जानते हो त्रिभुज के गुण से, देखो मैं किताबी लैंग्वेज से हट के लिखवा रहा हूँ, और इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कोई काट नहीं सकता, सीधी सी बात है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों गुण से क्या होता है, कि 70 प्लस एक्स प्लस वाई, त्रिभुज के तीनों गुणों का मान 180 होता है, ठीक है, 70 एक्स का मान हमें निकालना है, और वाई का मान कितना है 55, अभी हमने निकाला है इधर 180, 70 और 55 को जोड़ेंगे तो 125 प्लस का 125 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 55, ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आते हैं चार नंबर वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वन मार्क्स हो गया, दो नंबर हो गए, अब चार नंबर, इसके बाद फिर पांच छह नंबर वाले आएंगे। कह रहे यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का युगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम एन पदों का युगफल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और जानदार प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर देखो हमें दिया है, क्या दिया है, 7 पदों का योग S7 क्या दे रखे, 49। आपको बताइए भाई कि Sn बराबर क्या होता है, n बट्टे दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है, ठीक। S7 यानी n की जगह पर 7 है, तो 7 बट्टे दो 2a n की जगह 7 माइनस 1 इंटू टी 49 है, 7 से काटोगे 7 एकम 7 49। देखो यहां से आ गया 2a 6d और ये बट्टे में 2 इधर है 7, ऊपर से 2 उपनिष्ठ है, निकालो 2 उपनिष्ठ, 2 एकम 2 दो तिया 7 बट्टे में ऑलरेडी 2 है, 2 से 2 कटा, तो पहला समीकरण आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। पहले शर्त से हमें ये पहला समीकरण मिल गया। फिर आ जाओ 17 पदों का योग द्वितीय शर्त अनुसार, यहां पर आप प्रथम शर्त अनुसार भी लिख सकते हैं, द्वितीय शर्त में क्या है, 17 पदों का योगफल S17 कितना है 289। चलिए सूत्र में रखो, सो देखो दोस्त n की जगह n बट्टे दो 17 बट्टे दो 2a प्लस n, n है 17 माइनस 1 इंटू d, क्या लिख रहा हूं 289 है, देखो 17 एकम 17 17 17 17 एकम 17 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 आता है, 17 से कट जाएगा, यहां से क्या है 2a 16d बट्टे में 2 और इधर है 17, ऊपर से 2 उपनिष्ठ है, 2 एकम 2 2 बट्टे 16, 2 से 2 कट इधर है 17, तो दूसरा समीकरण आ गया a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को और 1 को हल करेंगे, a और d के मान निकल जाएंगे,
अलावा ये किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। ए प्लस आठ डी हमारा 17 है और ए प्लस 3 डी हमारा 7 है। समान चिन्ह होने पे घटा दे है ना, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस घटा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 डी और यहां से बचेगा 10, 5 दूनी 10, तो डी का मान आ गया। तो इसमें रख दो ए प्लस 3 डी हमारा कितना है 7 है, डी का मान है कितना 2, सो 3 दूनी 6, प्लस का 6 उधर गया माइनस का हो जाएगा, ए का मान आ गया 1। ठीक, ए का मान कितना आ गया 1, ए का भी मान मिल गया, डी का भी मान मिल गया, हमें क्या निकालना है एन पदों का योगफल। ठीक, हमें निकालना है एन पदों का योगफल, तो यहां लिखेंगे अतः एन पदों का योगफल, यानी एन की जगह पर एन ही रखना है। सूत्र क्या होता है, एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये होता है एन की जगह एन ही रखना है। ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 है, एन की जगह एन और डी हमारा 2 है। तो देखो दोस्त, ये आ गया 2, 2 से गुणा करोगे 2n माइनस के 2, प्लस माइनस 2 कटा, यहां से बचा 2n, 2 से 2 कटा, n गुणा n, n स्क्वायर, तो n पदों का योगफल आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न काफी शानदार है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक, इसको हल करके ये लाना है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। तो लिखेंगे हम यहां पर माया पक्ष लेने पर, ठीक, माया पक्ष क्या है हमारा, साइन ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, फिर है 1 प्लस कॉस ए बट्टे में साइन है। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न में क्या नियम सिखाया मैंने कि अगर कोई सर्वसमिका लग रही है तो लगाओ, कोई सर्वसमिका लग रही है, नहीं लग रही है, अगर नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो, तो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। अब क्या करना है, लॉ शॉपर लेके हल करना है। ठीक है, तो लॉ शॉपर ले लो, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो लॉ शॉपर आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 1 प्लस कॉस है गुणा साइन है। सो देखो दोस्त, इसकी गुणा इसके साथ करोगे साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए में 2 लग जाएगा। ऊपर खोलो, नीचे कुछ मत करना, जैसे उसको बस लिख के जाओ वैसे वैसे। देखो ये तो है साइन स्क्वायर ए, खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 ए बी, सूत्र में रख दिया ना, आपको तो पता ही होगा ये सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी, ये ए की जगह पर था और ये बी की जगह पर। अच्छा, थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी एक साथ रखो, एक का वर्ग एक होता है, 2 एक कम 2 कॉस है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखो। ठीक, अब आपको पता ही है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, यहां लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ठीक, यहां रखो 1, ऑलरेडी प्लस में 1 है, 2 कॉस ए बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस ए गुणा साइन ए, एक और एक कितना होता है 2। ठीक है, तो यहां 2 कॉस ए बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस ए गुणे में है साइन ए, जिस पे प्रूफ करना है ना उस पे भी नजर बनी हुई होनी चाहिए। ऊपर से क्या हुआ 2 अनिष्ट है, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया, कॉस बचा।
सो आप खुद ही देखेंगे आप कि भैया ये तो गुणे भाग में कट जाएगा, कटा। सो ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा सिर्फ दो, और बट्टे में दो एक कम है ना, एक बार कटता है बट्टे में साइन। और आपको पता है एक बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक। यही तो प्रूफ करना था, आ गया, यही हमें प्रूफ करना था ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं, अथवा फतवा में जो भी है वो सारे हम कर रहे हैं। या तो ये करना है या फिर ये करना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फिर वही बाया पक्ष लेने पर। पता है आज सुबह से ना मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, अब मेरे में जान भी नहीं बची है। मैंने सोचा नहीं था कि शाम को मॉडल पेपर आ जाएगा। पहले सुबह उठा, दो वीडियो बनाए डेढ़ घंटे के, ठीक है। उसके बाद 3 बजा खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर वीडियो बनाया क्लास 12th का, उसे हमने अपलोड कर दिया है। सोचा था आज को पब्लिक करूंगा, बट जैसे ही खाना वीडियो बना के जैसे ही पहुंचा रेस्ट करने, फिर देखा एक और एक वीडियो आ गई। बट मैं फिर शाम को टहलने चला गया, डेली जाता हूँ, जॉगिंग करके आया, थोड़ा सा पानी पिया, फिर लग गया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। अब इस वीडियो को बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा। तो जान नहीं बची, अगर जान बची हुई होती या सुबह पहले ये वीडियो आ जाती, पेपर आ जाता, तो मैं वन शॉट में पूरा पेपर सॉल्व करा देता। बट अभी मेरे में बिल्कुल जान नहीं बची है, क्या पता चक्कर खा के कब गिर जाऊं। तो जितना क्वेश्चन हो पा रहा है वो अभी मैं कर दे रहा हूं, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में कल सुबह करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। माफी चाहता हूं थोड़ा अगर खेद लग रहा है आपको, ठीक है, बट समझ सकते हो। चलिए बाय बख्श ले लेते हैं, आप रहा हूं, अब तो जान बिल्कुल नहीं बची है। एक तो लास्ट के 2-4 महीने से बीमार हूं, बॉडी वेट मेरा 15 किलो कम हो गया है, और खा पी कुछ भी नहीं रहा हूं, और अब तो आज तो बहुत ही हालत खराब हो रही है। ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर, ये चीज हमें दे रखी है, लेकिन प्रूफ में हमें 10 कॉट लाना है, ठीक है, 10 कॉट लाना, और 7 भी लाना है। 7 ऐसे तो जादू मंत्र से ला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, खोल देंगे इसको। खोलो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, ये इसको हमने खोल दिया, ठीक। अब इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a, और ये है b, खोल दिया हमने सबको। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में रखो, ठीक, साथ में रखते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक। कॉसेक स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूं सर्वसम्मिका 1 प्लस cot² है, क्योंकि आंसर में मुझे cot चाहिए, ऐसे तो cot आएगा नहीं, तो इसके जगह पे सूत्र लगा दिया। और बताए इसकी जगह पे मान क्या होता है, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का मान 1 होता है। अब जो जो लगा रहे हैं वो लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर sec स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan² है, ठीक है, इसके जगह पर ये मान रख दिया 2, और cos a गुणा sec a इसका मान होता है 1। तो देखो जो जो आपने किया उसका मान रखो, और इसके जगह पे भी हम रख सकते हैं 1, तो जो जो सर्वसम्मिका तुमने उपयोग किए ना वो मान रखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये यहां रखा। फिर कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस cot² है, ये रखा। फिर sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan² है, ये रखा। जो भी मान आपने उपयोग कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं दिखाओगे नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। और क्या रखा कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, उसका उपयोग किया। कॉस थीटा गुणा sec थीटा इसका मान 1 होता है, उसका उपयोग किया। ये सारे सर्वसम्मिका हमने यहाँ उपयोग किए हैं। अब देखो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7, इसके आगे यहां लिख देता हूं 7 प्लस tan² है प्लस cot² है,
ये हमें प्रूव करना था, ठीक है जी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो आराम से बन गया। तो कल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारा करेंगे, ठीक है, वीडियो, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, कल सुबह ही अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो, पार्ट टू इसका, और पार्ट टू कराने के बाद ना इसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कल मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नया हो भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, सपोर्ट तो करना बनता है, क्यों नहीं सपोर्ट करो, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो, बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है फ्री में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में।